टीम के हेड हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अपना आपको परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं माउंटेन पैरा रेस्क्यू ग्रुप का इंचार्ज हूं जी। और ये हमारी टीम है, रेस्क्यू टीम है जी। जी तो सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ और बेहद दुखद घड़ी है ये, क्योंकि युवक युवती के जो शव यहां पे मिले हैं, जानना चाहेंगे किस तरह से तमाम जो सर्च ऑपरेशन आपके द्वारा किया गया। देखिए, हमें कल शाम तकरीबन 7 बजे के करीब कॉल आई थी, तो कहा गया कि 2 आदमी मिसिंग है परसों रात से। तो तब फिर हमने प्लान बनाया कि कहाँ जैसे से है, फिर इनके साथ जो जो एक टूरिस्ट था, कपल था जी, उनसे हम मिले और उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ इस पॉइंट तक हमारा था। उसके बाद हमने सर्च ऑपरेशन किया, क्योंकि ये रिज पे थे, तो हमने एक टीम रिज की लेफ्ट तरफ को, एक राइट की तरफ वाली टीम को, लेफ्ट की तरफ की टीम वालों को ये लोकेट हुआ है जी। जी और ये लास्ट में जो लोकेट हुआ, मेन जो पोजीशन मिली है वो जी 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 जी। तो क्या कुछ लगता है किस तरह से इनकी जो मृत्यु हुई होगी? क्या देखिए, ये सिंपल सी बात है कि स्नोफॉल था और स्लिपरी एरिया था, और ये काफी स्लिप था, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, बिल्कुल काफी स्लिप है। ये ऊपर फर्स्ट स्लिप की है, फिर उठे है, फिर दोबारा से स्लिप किया है, और लड़की जिस पोजीशन में है, क्योंकि चलने के निशान भी बीच रास्ते में जी, तो लड़की काफी दूरी तक चल के आए, उसने उठाने की कोशिश की, फिर दोबारा गिरे हैं, फिर ये यहाँ तक पहुँचे हैं जी। जो बीड़ से बिलिंग के लिए रोड जाता है, तो उसमें एक स्थान पे जो है एक युवक और युवती का शव बरामद हुआ था पिछले कल स्थानीय पुलिस को। तो उनके संदर्भ में जो गुमशुदा होने की जो रिपोर्ट थी, वो उनके जो फ्रेंड्स थे, जो लड़के के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने वहाँ पे करवाई थी एक दिन पहले ही, जिसमें पुलिस ने सर्च अभियान चला के, जिसमें लोकल स्थानीय लोग भी इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने पैदल जो ट्रैक था उसमें एक स्थान पे ढांग के पास से जो है वो युवक और युवती का शव जो है पिछले कल बरामद किया है, जिसमें युवक जो है ये पठानकोट पंजाब का रहने वाला है और पिछले करीब 4 सालों से वहाँ पे स्थानीय जो गांव है वहाँ पे कमरा लेके रह रहा था, और ये ट्रैकिंग करता है और साथ ही ये पैराग्लाइडिंग भी करता था। युवती जो थी ये पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली है, और ये भी कुछ दिन पहले ही आई थी, और ये बाद में घूमने के लिए, स्नोफॉल होने की वजह से घूमने के लिए शायद बिलिंग गए होंगे, जो निश्चित तौर पर पता लगा है। और वापसी में आती बार जो है ये इनिशियली जो देखने में आ रहा है कि हादसे का शिकार हुए हैं, और ये वहाँ से गिरकर जो है बर्फ़ में पड़े रहे, शायद इनको चोटें भी आई हैं, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ज़्यादा जानकारी क्लियर होगी। और इनके हाथ डॉग भी था एक, जो कि जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो डॉग के भौंकने से जो है वहाँ उस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया, और जहाँ से इन दोनों के शव जो है इकट्ठे ही एक ही जगह से बरामद किए गए हैं। ये पोस्टमार्टम जब कंप्लीट होने के बाद, उनकी रिपोर्ट के बाद ही बताना संभव हो पाएगा। देखिए, अभी क्योंकि स्नोफॉल जो है काफ़ी अवेयरनेस में हो रहा है, और मौसम कभी भी सुबह धूप है शाम को ख़राब हो जाता है, और स्नोफॉल कभी भी स्टार्ट हो सकती है, तो जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि क्योंकि उनको जो ट्रैक्स होते हैं लोकल, उनका भी पता नहीं होता और वो कहीं भी भटक सकते हैं। जब स्नोफॉल गिरती है तो उसके बाद जो आपका जो रूटीन का जो रास्ता है, जो ट्रैक्स हैं, वो भी कवर्ड हो जाते हैं, और जिससे पता नहीं चलता कि कहाँ पे छोटी छोटी जगह जो है वहाँ पे भी कहीं कोई डीच है, गड्ढा है, तो कहीं भी पैर फिसल कर जो है ठंड में आदमी हाइपोथर्मिया हो जाता है ठंड में, और अगर चोट लगती है तो उससे भी आपके अनकॉन्शियस होने की जो है संभावना रहती है, जिससे डेथ होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, और समय पर अगर सहायता ना मिले तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक ठंड में जो फ़ोन है वो भी कारगर ज़्यादा साबित नहीं होते, और वहाँ पर सिग्नल की भी वैसे प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए यही सबको अपील करना चाहेंगे कि अगर आप जा भी रहे हैं कहीं ट्रैकिंग की, वैसे तो अवॉइड करें, पर जा रहे हैं तो एटलीस्ट स्थानीय जो व्यक्ति हैं साथ में, कोई ना कोई होना जिसको जगह के बारे में पता हो, तो उसके साथ जाएं तो बेहतर रहेगा। वैसे तो अवॉइड करें, मौसम ख़राब है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये प्रारंभिक जाँच में ये है कि ये गाड़ी में गए थे, अपनी गाड़ी में, तो बीच रास्ते में जहाँ उसके आगे गाड़ी नहीं जा पाई, तो उसके बाद ये ग्रुप था, 4 लोग थे ये, जो ऊपर 2 लड़के 2 लड़कियाँ, तो ये ऊपर गए हैं। हालांकि और भी लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे थे, ऊपर जो साइट है, बिलिंग साइट है, उस पर काफ़ी लोग थे, तो इन्होंने उसके बाद जैसे वापस आए हैं ये, जब थोड़ा सा मौसम डाउन हुआ है, तो जो
जो दूसरा युवक और युवती थे वो पीछे से वापिस हट गए और अपने किसी से मदद लेके जो है नीचे पहुँचे हैं। और ये क्योंकि युवक जो था 4 साल से वहाँ पे ऑलरेडी ट्रैकिंग करता था, तो इसने कहा कि नहीं मुझे रूट का पता है, तो वो उस युवती के साथ जो है वहाँ से और अपने डॉग के साथ जो है वहाँ से नीचे को उतराया था, परंतु उसके पश्चात जो है इनका कुछ पता नहीं चला, मिसिंग हो गई थी, जिसमें पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से इनको ढूंढा है और जब भी जैसे ही इनके पास पहुंचे तो ये मृत पाए गए वहाँ पे।